पिछले 9 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे में अभूतपूर्व परिवर्तन किया है। रेलवे को देश की आर्थिक प्रगति के साथ जोड़ दिया है। चाहे नए स्टेशन हो, नई ट्रेन हो, नए ट्रैक हो या रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हो, हर आयाम में आज रेलवे एक नई ऊंचाई पर पहुंच रही है। एक सामान्य नागरिक के जीवन में रेलवे का बहुत महत्व है। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने रेलवे के विकास के लिए अधिकाधिक फंड्स एलोकेट किए हैं। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री जी के रेलवे का विजन स्पष्ट दिखाई देता है। जहां इतने बड़े राज्य में 2009 से 2014 में मात्र 632 करोड़ मिलते थे साल के, वहीं आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे के लिए मध्य प्रदेश को राशि को 21 गुना बढ़ाकर इस वर्ष के बजट में 13,607 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश के लिए आवंटन किए गए। साथियों, मध्य प्रदेश में रेलवे के कुल 84,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जी का मध्य प्रदेश में रेलवे के विकास के लिए विजन है। प्रधानमंत्री जी ने देश भर में रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाने का संकल्प लिया है और इस संकल्प की सिद्धि में इस रानी कमलापति स्टेशन का महत्वपूर्ण स्थान है। रानी कमलापति स्टेशन से जो अनुभव प्राप्त हुआ, आज उस अनुभव का उपयोग करके माननीय प्रधानमंत्री जी देश भर में 1200 स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास बना रहे हैं। मध्य प्रदेश में छोटे बड़े सभी मिला के 80 स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास बनाने का काम हो रहा है। मध्य प्रदेश में रेलवे के प्रोजेक्ट्स के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत सहयोग मिल रहा है, इसके लिए आपका हार्दिक आभार। डबल इंजन की सरकार से राज्य के निवासियों को अधिक से अधिक सुविधाएं मिले, इसी विश्वास के साथ एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद माननीय रेल मंत्री जी। आगामी प्रकरण पर बढ़ते हुए मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से आग्रह करती हूँ कि आज के इस मौके पर अपने विचार प्रकट करने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी। बोलिए भारत माता की। भारत माता की। हमारे प्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, मध्य प्रदेश के कर्मठ गवर्नर आदरणीय मंगू भाई पटेल जी, हमारे रेल मंत्री जी आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी, बहनों भाइयों भांजे भांजियों, आप सबको प्रणाम। आज मध्य प्रदेश के सौभाग्य के सूर्य का फिर से उदय हुआ है। आवाज आ रही कि नहीं? मध्य प्रदेश के सौभाग्य के सूर्य का फिर से उदय हुआ है। आज फिर से नरेंद्र मोदी जी पधारे हैं। मैं मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका हृदय से स्वागत करता हूं। जो कभी पिछले सरकारों में जो कभी गंदे और बदबू मारते हुए रेलवे स्टेशन होते थे, उनको शानदार एयरपोर्ट में बदल दे, उसको मोदी विजन कहते हैं। मोदी विजन हमने देखा, जब प्रधानमंत्री जी पहली बार आए थे यहां, तब हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन किया गया था और आज वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाए। बहनों और भाइयों, इस बार फिर वंदे भारत ट्रेन की सौगात दे रहे हैं। भोपाल से दिल्ली अब कम समय में हम पहुंच सकेंगे, लेकिन मन में प्रसन्नता होती है। एक सरकार थी कांग्रेस की जिन्होंने विदेशी तंत्र दिया था, लेकिन मोदी जी ने स्वदेशी का मंत्र दिया है। यह वंदे भारत स्वदेशी है पूरी तरह से। अब हमारी ट्रेन स्वदेशी, सेना ने यहां एक मेला लगाया है, उसमें टैंक स्वदेशी, युद्ध पोत स्वदेशी, ये मोदी जी के नेतृत्व में चमत्कार हो रहा है। ये मोदी विजन है
जिन्होंने पूरे देश को बदला है, मध्य प्रदेश भी बदला है। न केवल वंदे मातरम ट्रेन बल्कि शानदार हाईवे 4 लाख किलोमीटर सड़कें मध्य प्रदेश की धरती पर बनी है। यह नरेंद्र मोदी विजन है। सिंचाई की क्षमताओं का विस्तार हुआ है, यह भी मोदी जी का विजन है। बहनों और भाइयों, 58 लाख गरीबों को मकान, 82 लाख गैस कनेक्शन, 80 लाख किसानों को सम्मान निधि, 1 करोड़ 15 लाख को राशन गरीबों को, 3 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड और उसके साथ साथ 25 लाख लोगों का इलाज, इसको मोदी विजन कहते हैं। देश बदल रहा है और मध्य प्रदेश भी मोदी जी के नेतृत्व में बदल रहा है। मैं एक बार फिर उनका स्वागत करता हूं और एक और बात के लिए दिन याद किया जाएगा। मोदी जी का ही विजन है, धीरे धीरे नशे को नियंत्रित करो। आज से मध्य प्रदेश में शराब के सारे अहाते बंद हो गए हैं, सारे दारू के अहाते बंद हो गए हैं। एक बार मैं फिर मोदी जी का यहाँ हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मेरे साथ एक बार बोलिए, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब मध्य प्रदेश को पहली और देश की 11वीं वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा होने जा रहा है। इस शुभ अवसर पर आइए देखते हैं आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस पर बनाई गई एक लघु फिल्म। भारत की पिछले 9 वर्षों की विकास यात्रा है तेज, सर्वांगीण और सर्वस्पर्शी विकास की मिसाल। दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के निर्णायक नेतृत्व में तेजी से विकसित होते भारत की नई पहचान से जुड़ी है भारतीय रेलवे की बदलती तस्वीर। हमारी रेल आज लगातार आधुनिक, तेज, अधिक सुरक्षित और समावेशी हो रही है। इस बदलती संवर्ती रेलवे को एक विशिष्ट पहचान दिलाई है मेक इन इंडिया की शानदार प्रतीक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन ने। ये ट्रेन प्रतिबिंब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दृढ़ संकल्प का और भारतीय रेलवे की नई पहचान का। ये वंदे भारत एक्सप्रेस उस भारत का प्रतीक है जो अपने हर नागरिक को बेहतर सुविधाएं देना चाहता है। ये वंदे भारत एक्सप्रेस उस भारत का प्रतीक है जो गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलकर आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। देश के मध्य में स्थित मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और देश की राजधानी दिल्ली, सदियों पुराना संबंध है इन दोनों का और अब भोपाल और दिल्ली एक मजबूत भविष्य की नींव रख रहे हैं। पहली बार रानी कमलापति और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के बीच शुरू हो रही है देश की 11वीं और मध्य प्रदेश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन, जिससे इन दोनों स्टेशन के बीच का तकरीबन 700 किलोमीटर का सफर लगभग 7 घंटे 30 मिनट में पूरा होगा। वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से निर्मित है। ट्रेन में यात्री सुविधाओं का विशेष ख्याल रखा गया है। ट्रेन में 16 चेयर कार के साथ 1100 से अधिक यात्रियों के बैठने की उत्तम व्यवस्था है। 180 डिग्री रोटेटिंग रिक्लाइनर चेयर्स, ऑटोमेटिक डोर, वाईफाई जैसी सुविधाओं से सुसज्जित है। ट्रेन में सीसीटीवी कैमरे, इमरजेंसी में टॉकबैक, कवच जैसी तकनीकों से यात्री सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। वहीं विशेष शौचालय, टच फ्री सुविधाएं और ब्रेल लिपि में अंकित सीट नंबर्स इसे दिव्यांग फ्रेंडली भी बनाते हैं। ट्रेन को खास बनाता है इसका ड्राइवर कैब का एरोडायनामिक डिजाइन। ये एयर ड्रैग कम कर ऊर्जा की खपत को कम करता है और ट्रेन को फ्यूचरिस्टिक लुक के साथ ही देता है अधिकतम स्पीड भी। मतलब कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है देश के बढ़ते सामर्थ्य की नई पहचान। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन रानी कमलापति और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के बीच पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर कर रहे हैं शुभारंभ।
एक भारत श्रेष्ठ भारत सबकी रेल भारतीय रेल। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा रानी कमलापति नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ होने जा रहा है। इसके तुरंत बाद माननीय प्रधानमंत्री जी हम सबको संबोधित भी करेंगे। शुभारंभ की स्वर्णिम घड़ी आ गई है। मध्य प्रदेश वासियों, माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र अनुरोध है कि वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करें। और सभी गणमान्य नागरिकों से अनुरोध है कि इस पल के साक्षी बनते हुए करतल ध्वनि करते हुए वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना करने के पल के साक्षी बने। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आज वंदे भारत एक्सप्रेस भोपाल से नई दिल्ली के लिए रवाना हो रही है। मध्य प्रदेश वासियों का बरसों पुराना सपना। इस पल का मध्य प्रदेश वासियों को बरसों से इंतजार रहा है। 300 से ज्यादा स्कूली बच्चे वंदे भारत से सफर कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी से बच्चों ने संवाद भी किया और प्रधानमंत्री के दिल के बेहद करीब ये बच्चे आज अपने बीच उन्हें पाकर बेहद उत्साहित हैं। ये उन सबके लिए एक यादगार पल रहा। और वंदे भारत एक्सप्रेस भोपाल से दिल्ली के लिए रवाना हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी सब बच्चों को अलविदा कहते हुए माननीय प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर ये बच्चे बेहद उत्साहित हैं, बहुत खुश हैं। इस ट्रेन के जरिए भारत की राजधानी और मध्य प्रदेश की राजधानी को आपस में कनेक्टिविटी और तेज परिवहन की सुविधा मिलेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये अद्भुत तोहफा, यादगार तोहफा मध्य प्रदेश वासियों के लिए। इस ट्रेन के माध्यम से यात्रीगण रानी कमलापति और नई दिल्ली के मध्य आने वाले धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों की सुगम एवं तेज यात्रा के अनुभव के साथ प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ भी उठाएंगे। इस ट्रेन के माध्यम से यात्रीगण बहुत ही कम समय में भोपाल और दिल्ली का सुगम एवं सुविधाजनक सफर कर सकेंगे। ट्रेन में बैठे सभी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन श्रद्धालुओं, व्यापारियों और पर्यटकों को नए भारत की नई रेल यात्रा का अनुभव कराएगी। वंदे भारत ट्रेन भारत की 11वीं तथा मध्य प्रदेश की पहली वंदे भारत ट्रेन है। आज हम सब साक्षी बने हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हरी झंडी दिखाकर इसे भोपाल से दिल्ली के लिए रवाना किया गया। पूरे मध्य प्रदेश वासी माननीय प्रधानमंत्री जी के आभारी हैं।
और ये दिल्ली के लिए रवाना वंदे भारत एक्सप्रेस। अब हम आमंत्रित करते हैं जिनकी शब्द ध्वनि सुनने के लिए आप हम सब बड़ी देर से प्रतीक्षारत हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी। भारत माता की, भारत माता की। मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्रीमान मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री भाई शिवराज जी, रेल मंत्री अश्विनी जी, अन्य सभी महानुभाव और विशाल संख्या में आए हुए भोपाल के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं इंदौर मंदिर में रामनवमी का जो हादसा हुआ, मैं अपना दुख व्यक्त करता हूं। इस हादसे में जो लोग असमय हमें छोड़ गए उन्हें मैं श्रद्धांजलि देता हूं, उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। जो श्रद्धालु जख्मी हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है, मैं उनके जल्द स्वास्थ्य की भी कामना करता हूं। स्वास्थ्यों, आज एमपी को अपनी पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली है। वंदे भारत एक्सप्रेस से भोपाल और दिल्ली के बीच का सफर और तेज हो जाएगा। ये ट्रेन प्रोफेशनल्स के लिए, नौजवानों के लिए, कारोबारियों के लिए नई सुविधा लेकर के आएगी। साथियों, ये आयोजन जिस आधुनिक और भव्य रानी कमलापति स्टेशन पर हो रहा है, उसका लोकार्पण करने का सौभाग्य भी आप सबने मुझे दिया था। आज मुझे यहीं से दिल्ली के लिए भारत की आधुनिकतम वंदे भारत ट्रेन को रवाना करने का आपने अवसर दिया है। रेलवे के इतिहास में कभी बहुत कम ऐसा हुआ होगा कि एक ही स्टेशन पर इतने कम अंतराल में किसी प्रधानमंत्री का दोबारा आना हुआ हो। लेकिन आधुनिक भारत में नई व्यवस्थाएं बन रही है, नई परंपराएं बन रही है। आज का कार्यक्रम इसी का भी एक उत्तम उदाहरण है। साथियों, अभी यहां मैंने जो यात्री के रूप में हमारे स्कूल के बच्चे जा रहे थे, कुछ पल उनके बीच बताया, उनसे संवाद भी किया। उनके भीतर इस ट्रेन को लेकर जो उत्सुकता थी, उमंग थी, वो देखने योग्य थी। यानी एक तरह से वंदे भारत ट्रेन विकसित होते भारत की उमंग और तरंग का प्रतीक है। और आज जब ये कार्यक्रम तय होता था तो मुझे बताया गया कि 1 तारीख को कार्यक्रम है। मैंने कहा, भाई 1 अप्रैल को क्यों रखते हो? जब अखबार में खबर आएगी कि 1 अप्रैल को मोदी जी वंदे भारत ट्रेन को झंडी दिखाने वाले हैं, तो हमारे कांग्रेस के मित्र जरूर बयान देंगे, ये मोदी तो अप्रैल फूल करेगा।
लेकिन आप देखते हैं 1 अप्रैल को ही ये ट्रेन चल पड़ी है। साथियों, ये हमारे कौशल, हमारे सामर्थ्य, हमारे आत्मविश्वास का भी प्रतीक है। और भोपाल आने वाली ये ट्रेन तो पर्यटन को सबसे ज्यादा मदद करने वाली है। इससे सांची स्तूप, भीमबेटका, भोजपुर और उदयगिरी गुफा जैसे पर्यटन स्थलों में आवाजाही और बढ़ने वाली है। और आपको पता है कि पर्यटन बढ़ता है तो रोजगार के अनेक अवसर बढ़ने लग जाते हैं, लोगों की आय भी बढ़ती है। यानी ये वंदे भारत लोगों की आय बढ़ाने का भी माध्यम बनेगी, क्षेत्र के विकास का माध्यम भी बनेगी। साथियों, 21वीं सदी का भारत अब नई सोच, नए अप्रोच के साथ काम कर रहा है। पहले की सरकारें तुष्टिकरण में ही इतना व्यस्त रही कि देशवासियों के संतुष्टिकरण पर उनका ध्यान ही नहीं गया। वे वोट बैंक के तुष्टिकरण में जुटे हुए थे, हम देशवासियों के संतुष्टिकरण में समर्पित है। पहले की सरकारों में एक और बात पर बड़ा जोर रहा, वो देश के एक ही परिवार को देश का प्रथम परिवार मानती रही, देश के गरीब परिवार, देश के मध्यम वर्गीय परिवार, उन्होंने अपने हाल पर ही छोड़ दिया था। इन परिवारों की आशाएं, अपेक्षाएं, उन्हें पूछने वाला ही कोई नहीं था। इसका जीता जागता उदाहरण रही है हमारी भारतीय रेल। भारतीय रेलवे दरअसल सामान्य भारतीय परिवार की सवारी है। माता, पिता, बच्चे, दादा, दादी, नाना, नानी, सबको इकट्ठे जाना हो तो दशकों से लोगों का सबसे बड़ा साधन रेल रही है। क्या सामान्य भारतीय परिवार की इस सवारी को समय के साथ आधुनिक नहीं किया जाना चाहिए था? क्या रेलवे को ऐसे ही बदहाल छोड़ देना सही था? साथियों, आजादी के बाद भारत को एक बना, जो बना बनाया बहुत बड़ा रेलवे नेटवर्क मिला था, तब की सरकारें चाहती तो बहुत तेजी से रेलवे को आधुनिक बना सकती थी, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ के लिए, लोक लुभावन वादों के लिए रेलवे के विकास को ही बलि चढ़ा दिया गया। हाल तो ये थी कि आजादी के इतने दशकों बाद भी हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्य ट्रेन से नहीं जुड़े थे। साल 2014 में जब आपने मुझे सेवा का अवसर दिया तो मैंने तय किया कि अब ऐसा नहीं होगा, अब रेलवे का कायाकल्प होके रहेगा। बीते 9 वर्षों में हमारा ये निरंतर प्रयास रहा है कि भारतीय रेल दुनिया का श्रेष्ठ रेल नेटवर्क कैसे बने।
साल 2014 से पहले भारतीय रेल को लेकर क्या क्या खबरें आती थी ये आप भलीभांति जानते हैं। इतने बड़े रेल नेटवर्क में जगह जगह हजारों मानव रहित फाटक थे, वहां से अक्सर दुर्घटनाओं की खबरें आती थी, कभी कभी स्कूल के बच्चों की मौत की खबरें दिल दहला देती थी। आज ब्रॉडगेज नेटवर्क मानव रहित फाटकों से मुक्त हो चुका है। पहले ट्रेनों के दुर्घटनाग्रस्त एक्सीडेंट होने और जान माल की हानि की घटनाएं भी आए दिन आती रहती थी। आज भारतीय रेल बहुत अधिक सुरक्षित हुई है। यात्री सुरक्षा को मजबूत देने के लिए रेलवे में मेड इन इंडिया कवच प्रणाली का विस्तार किया जा रहा है। साथियों, सुरक्षा सिर्फ हादसों से ही नहीं है, बल्कि अब सफर के दौरान भी अगर किसी यात्री को शिकायत होती है तो त्वरित कार्रवाई की जाती है। इमरजेंसी की स्थिति में भी बहुत कम समय में सहायता उपलब्ध कराई जाती है। ऐसी व्यवस्था का सबसे अधिक लाभ हमारी बहनों बेटियों को हुआ है। पहले साफ सफाई की शिकायतें भी बहुत कम आती थी, रेलवे स्टेशनों पर थोड़ी देर रुकना भी सजा जैसा लगता था, ऊपर से ट्रेनें कई कई घंटे लेट चला करती थी। आज साफ सफाई भी बेहतर और ट्रेनों के लेट होने की शिकायतें भी निरंतर कम हो रही है। पहले तो स्थिति ये थी, लोगों ने शिकायत करना ही बंद कर दिया था, कोई सुनने वाला ही नहीं था। आपको याद होगा, पहले टिकटों की कालाबाजारी तो शिकायतों में सामान्य बात थी। मीडिया में आए दिन इससे जुड़े स्टिंग ऑपरेशन दिखाए जाते थे, लेकिन आज टेक्नोलॉजी का उपयोग कर हमने ऐसी अनेक समस्याओं का समाधान किया है। साथियों, आज भारतीय रेलवे देश के छोटे शिल्पकारों और कारीगरों के उत्पादों को देश के हर कोने तक पहुंचाने का भी बड़ा माध्यम बन रही है। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट इस योजना के तहत जिस क्षेत्र में वो स्टेशन है वहां के प्रसिद्ध कपड़े, कलाकृतियां, पेंटिंग, हस्तशिल्प, बर्तन आदि यात्री स्टेशन पर ही खरीद सकते हैं। इसके भी देश में करीब करीब 600 आउटलेट बनाए जा चुके हैं। मुझे खुशी है कि बहुत ही कम समय में इनसे 1 लाख से ज्यादा यात्री खरीदारी कर चुके हैं। साथियों, आज भारतीय रेल देश के सामान्य परिवारों के लिए सुविधा का पर्याय बन रही है। आज देश में अनेकों रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। आज देश के 6000 स्टेशनों पर वाईफाई की सुविधा दी जा रही है। देश के 900 से ज्यादा प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर सीसीटीवी लगाने का काम पूरा हो चुका है। हमारी ये वंदे भारत एक्सप्रेस तो पूरे देश में हमारी युवा पीढ़ी में सुपर हिट हो चुकी है। साल भर इन ट्रेनों की सीटें फुल जा रही है। देश के हर कोने से वंदे भारत चलाने की मांग की जा रही है। पहले सांसदों की चिट्ठियां आती थी तो चिट्ठी क्या आती थी, सांसद लिखते थे फलानी ट्रेन इस स्टेशन पर रोकने की व्यवस्था हो, अभी 2 स्टेशन पर रुकती है, 3 पर रोकने की व्यवस्था हो,
यहां रोकी जाए वहां रोकी जाए यही आता था। आज मुझे गर्व है, मुझे संतोष है जब सांसद चिट्ठी लिखते हैं और मांग करते हैं कि हमारे यहां भी वंदे भारत जल्दी से जल्दी चालू हो। साथियों, रेलवे यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाने का यह अभियान लगातार बहुत तेज गति से चल रहा है। इस साल के बजट में भी रेलवे को रिकॉर्ड धनराशि दी गई है। एक समय था जब रेलवे के विकास की बात होते ही घाटे की बात की जाती थी, लेकिन अगर विकास की इच्छा शक्ति हो, नियत साफ हो और निष्ठा पक्की हो तो नए रास्ते भी निकल ही आते हैं। बीते 9 वर्षों में हमने रेलवे के बजट को लगातार बढ़ाया है। मध्य प्रदेश के लिए भी इस बार 13,000 करोड़ रुपए से अधिक का रेलवे बजट आवंटित किया गया है, जबकि 2014 से पहले मध्य प्रदेश के लिए हर वर्ष औसतन 600 करोड़ रुपया। आप बताइए, 600 करोड़ रुपए रेलवे बजट था, कहां 600 और कहां आज 13,000 करोड़। साथियों, आज रेलवे में कैसे आधुनिकीकरण हो रहा है इसका एक उदाहरण इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी है। आज आप आए दिन सुन रहे हैं कि देश के किसी ना किसी हिस्से में रेलवे नेटवर्क का 100% बिजलीकरण हो चुका है। जिन 11 राज्यों में 100% बिजलीकरण हो चुका है उसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। 2014 से पहले हर साल एवरेज 600 किलोमीटर रेलवे रूट का इलेक्ट्रिफिकेशन होता था, अब हर साल औसतन 6,000 किलोमीटर का इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है। ये है हमारी सरकार के काम करने की रफ्तार। साथियों, मुझे खुशी है मध्य प्रदेश आज पुराने दिनों को पीछे छोड़ चुका है। अब मध्य प्रदेश निरंतर विकास की नई गाथा लिख रहा है। खेती हो या फिर उद्योग, आज एमपी का सामर्थ्य भारत के सामर्थ्य को विस्तार दे रहा है। विकास के जिन पैमानों पर कभी मध्य प्रदेश को बीमारू कहा जाता था, उनमें से अधिकतर में एमपी का प्रदर्शन प्रशंसनीय है। आज एमपी गरीबों के घर बनाने में अग्रणी राज्यों में है। हर घर जल पहुंचाने के लिए भी मध्य प्रदेश अच्छा काम कर रहा है। गेहूं सहित अनेक फसलों के उत्पादन में भी हमारे मध्य प्रदेश के किसान नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। उद्योगों के मामले में भी अब ये राज्य निरंतर नए कीर्तिमानों की तरफ बढ़ रहा है। इन सब प्रयासों से यहां युवाओं के लिए अनंत अवसरों की संभावनाएं भी बन रही है। साथियों, देश में विकास के लिए हो रहे इन प्रयासों के बीच आप सभी देशवासियों को एक और बात की ओर भी ध्यान खिंचवाना चाहता हूं। हमारे देश में कुछ लोग हैं जो 2014 के बाद से ही ये ठान कर बैठे हैं और पब्लिकली बोले भी हैं और उन्होंने अपना संकल्प घोषित किया है। क्या किया है उन्होंने? अपना संकल्प घोषित किया है, हम मोदी की छवि को धूमिल करके रहेंगे। इसके लिए इन लोगों ने भांति भांति के लोगों को सुपारी दे रखी है और खुद भी मोर्चा संभाले हुए हैं। इन लोगों का साथ देने के लिए
कुछ लोग देश के भीतर है और कुछ देश के बाहर भी बैठकर अपना काम कर रहे हैं। ये लोग लगातार कोशिश करते रहे हैं कि किसी तरह मोदी की इमेज को धूमिल कर दें, लेकिन आज भारत के गरीब, भारत का मध्यम वर्ग, भारत के आदिवासी, भारत के दलित, पिछड़े हर भारतीय आज मोदी का सुरक्षा कवच बना हुआ है। और इसीलिए ये लोग बौखला गए हैं, ये लोग नए नए पैंतरे अपना रहे हैं। 2014 में उन्होंने मोदी की इमेज, मोदी की छवि धूमिल करने का संकल्प लिया। अब इन लोगों ने संकल्प ले लिया है, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। इनकी साजिशों के बीच आपको, हर देशवासी को देश के विकास पर ध्यान देना है, राष्ट्र निर्माण पर ध्यान देना है। हमें विकसित भारत में मध्य प्रदेश की भूमिका को और बढ़ाना है। ये नई वंदे भारत एक्सप्रेस इसी संकल्प का ही एक हिस्सा है। एक बार फिर मध्य प्रदेश के सभी नागरिक भाइयों बहनों को, भोपाल के नागरिक भाई बहनों को इस आधुनिक ट्रेंड के लिए बहुत बहुत बधाई। हम सभी का सफर मंगलमय हो, यही शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वचन और प्रशंसा से यकीनन मध्य प्रदेश वासियों को निरंतर प्रगति पथ पर चलने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। वचन हर मध्य प्रदेश वासी का कि हम आपकी आशा को कभी धूमिल नहीं होने देंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी और सभी गणमान्य अतिथियों का हृदय से आभार। मध्य प्रदेश की विकास गाथा में आपका कीमती समय देने के लिए कोटि कोटि नमन। माननीय प्रधानमंत्री जी और विशिष्ट अतिथियों का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। तो ये आप